Okay, internet but is not working. Meanwhile, I'm using my mobile data. You can interrupt me meanwhile if voice and screen will freeze or will not work. Okay, feel free to interrupt me. Okay, sir. चलो तो ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया. नाउ आई एम इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी. कॉम्प्लेक्सिटी मैं इसलिए बढ़ा रहा हूँ क्योंकि यू यू आई अगेन वांट टू कन्विंस यू कि अच्छा यहाँ ऐसे फंक्शन का और एक्सटेंडेड यूजेस हो सकता है. तो इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाने रहा बस इसको एक्सटेंड कर रहा मैं. तो वी हैव अ नंबर ए एंड बी. दिस टाइम वी विल आस्क टू नंबर फ्रॉम यूजर. और क्या करेंगे, वी विल चेक whether A is prime or not. A is prime and B is prime. Okay, if both are prime, then we will compute A to the power B. And if this is not the case, then we will do A square plus B square factorial. Sorry. This is not what I meant. A factorial plus B factorial to the factorial. Okay. And in this case, I want to check and take more complex one. A factorial plus B square to the factorial. And in this case, I want to check A square plus B square and it's a square. See, this I want. Simplify this case also. Okay. So this is our objective. So हमें पहले दो variables को लेना होगा and then we have to check whether both are prime or not. And then we have to find first, अगर वो दोनों ही prime होंगे, both are prime, then we could find a square of individual and then we should find the square of our result. और इस केस में क्या होगा, अगर नॉट प्राइम नहीं है, if this is not prime, this is no, yes, yes, okay. प्रॉब्लम समझ में आ गई सबको? Yes sir. ठीक है. Let us copy this program. Fine. David. V nine. Day two, background, day two, function. First, we need to take two value and then two integer, and we should improve this program. यहाँ पे हमने क्या कर दिया? We have now two values with us. Next is to check whether both are prime. Okay, so we can take two flag variable. So we can say flag A and flag B. Flag B. Let us use calculus. Flag A में वो value रहेगी जो A is prime or not. Okay, and the same thing we can do with B also. So see, यहाँ पे क्या होगा, ये function है check for prime. देखो मैं ये program इसलिए करा रहा क्योंकि इससे ध्यान दो कि हमें the moment we have these function with us, बस जो हमारा problem के कारण जो कॉम्प्लेक्सिटी वेरी कर रही है बस मैं उसे चेंज कर रहा हूँ. इन फंक्शंस जो किसी पर्टिकुलर कैलकुलेशन के लिए बना हुआ है इसमें हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं. ठीक है. सी, तो ए इज प्राइम और नॉट, तो ये फंक्शन कॉल होगा चेक फॉर प्राइम. चेक फॉर प्राइम में जाएगा और रिटर्न करेगा वन और जीरो. इफ प्राइम होगा तो फ्लैग वन में, फ्लैग ए में वन आ जाएगा. सिमिलर केस बी के लिए भी यही फंक्शन को कॉल करेंगे और चेक हो जाएगा.
और अगर वो बी इज अ प्राइम नंबर देन फ्लैग बी विल हैव द वैल्यू 1, अदरवाइज 0। ये दोनों ही चेक हो गए। नाउ व्हाट वी हैव टू कंप्लीट, अगर दोनों ही प्राइम होगा तो, सो इफ फ्लैग ए एंड फ्लैग बी इक्वल टू इक्वल टू 1, अगर दोनों ही फ्लैग 1 होता है, सो इन दैट केस ये कंडीशन होगा। सो वी हैव टू कंप्यूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड देन वी हैव टू ऐड इट टू फाइंड स्क्वायर। तो सबसे पहले मैं ए स्क्वायर और बी स्क्वायर इंडिविजुअल निकालता हूँ, तो रिजल्ट से रिजल्ट 1 ए स्क्वायर एंड देन प्लस पावर बी 2। सो ये क्या हो गया, दिस इज ए स्क्वायर एंड दिस इज बी स्क्वायर। क्यों कर क्यों, बिकॉज ए एंड 2 विल पास फ्रॉम हियर टू दिस फंक्शन। ओके, एंड सेम फंक्शन को यहां भी कॉल होगा, अभी वैल्यू क्या पास होगी, बी की पास होगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इतना तो हमने कर लिया। रिजल्ट कहाँ पे सेव है हमारे पास, रिजल्ट 1 में सेव है। नाउ ये क्या बोल रहा है कि इस दोनों को जब सम कर लिया तो उसको फिर से स्क्वायर करो, तो वी कैन अगेन राइट रिजल्ट, एक नया वेरिएबल में ले ले रहा हूँ रिजल्ट। तो पावर क्या निकालना है, ये जो पिछला रिजल्ट आया दिस रेज टू द पावर 2 रिजल्ट एंड 2, टू डिक्लेयर दीज वेरिएबल्स रिजल्ट 1 एंड ठीक है। वी हैव डिड दिस पार्ट। अब इस पार्ट में क्या होगा, जब नो होगा, नो कब होगा, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगा, मीनिंग उस इस दोनों में से कोई एक प्राइम नहीं है। द मोमेंट नन ऑफ देम आर प्राइम, सो वी हैव टू लुक फॉर एल्स पार्ट। एल्स पार्ट में हमें फिर से क्या करना है, दोनों के इंडिविजुअली फैक्टोरियल निकालना है। सो वी विल फाइंड आउट हियर, वी विल use the same variable factorial a and plus factorial b है ना, ये कह रहा है ना factorial factorial b। अभी ध्यान दो तुम लोग, द मोमेंट हमने एक बार फंक्शन को लिख दिया ना, अब ये लॉजिक बिल्ड करने में वहां जितना एफर्ट लगा था दैट्स इट। अभी बस हमें क्या याद रखना पड़ता है, जैसे प्रिंटफ को यूज करते हो ना, तो प्रिंटर में बस हमें याद रखना पड़ता है कि अच्छा इफ वी आर पास इफ वी आर प्रिंटिंग वेरिएबल देन वी हैव टू गिव दिस और वी शुड राइट समथिंग इन डबल कोट हियर वेयर। वी जस्ट नीड टू रिमेंबर द सिंटैक्स कि मेरा फंक्शन जो है उसे रिक्वायरमेंट क्या क्या है, सो इनपुट क्या चाहिए। तो मोमेंट उसे जो भी इनपुट चाहिए वी आर सप्लाइंग, वी आर नॉट वरीड अबाउट कि हाउ दिस फंक्शंस आर वर्किंग, बिकॉज इट्स अ वन टाइम एफर्ट। हमने एक बार लॉजिक बिल्ड किया, फंक्शंस को बनाया रख दिया, अब इस लॉजिक बिल्डिंग पे बार बार हमें एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। दैट इज व्हाट द ब्यूटी ऑफ फंक्शन, एक दिस इज वन ऑफ द एडवांटेज। अनदर एडवांटेज इज कोड रिपीटेशन है ना, ये अगर हम वी वर नॉट राइटिंग दीज फंक्शंस सेपरेटली तो चेक ए के लिए इतना पूरा लॉजिक लिखना पड़ता, पूरा लॉजिक लिखना पड़ता, बी चेक करने के लिए भी सेम लॉजिक लिखना पड़ता, और ये सेम इंट्यूशन एक प्रोग्राम हम लोग देख चुके हैं जिसमें हम लोगों ने पूरे प्रोग्राम को एक्सपेंड करके लिखा था, फिर बाद में हमने उसे फंक्शन के थ्रू शॉर्ट करके देखा। सर ये पावर वेरिएबल कंपाइलर में डिफाइन है, पावर वेरिएबल क्या होता है, पावर फंक्शन बोलो अरियन, पावर कंपाइलर में भी होता है लेकिन उसके लिए हमें मैथ डॉट एच यूज करना पड़ेगा। आप क्या पूछ रहे हो एक बार फिर से पूछो, क्योंकि इनफैक्ट देन सर जैसे कि हम हर चीज के आगे जो पावर लिख रहे हैं तो ये डिफाइन है, मैं ये पूछ रहा हूँ। यहाँ डिफाइन किया ना बच्चे, लास्ट क्लास में थे ना, तो ओके सर, लास्ट क्लास सर नेटवर्क इशू था ना लास्ट क्लास में सर, प्रॉपर अटेंड नहीं कर पाया था, अपलोड कर दिया था। ऐसे इशू होने पर ना या तो तुम वहां देख लो, नहीं तो मुझे इन्फॉर्म करो,
हाँ, मैं नेक्स्ट क्लास में आने से पहले एक बार डिस्कस कर लेंगे, या फिर कोई स्पेयर टाइम निकाल के डिस्कस कर लेंगे। एनीवे, पावर में क्या कर रहे ओके हैं, सर। दैट अगर एक्स और वाई की दो वैल्यू तुम इस पावर फंक्शन को दे रहे थे, तो ये पावर कैलकुलेट करके रिटर्न जो भी रिजल्ट होगा पावर का, सपोज ए बी यू आर पासिंग, तो ये ए टू द पावर बी का जो भी रिजल्ट होगा वो रिटर्न कर देता था, किसको, जो भी इसे कॉल करता था। तो यहाँ पे क्या है, पावर ए टू, यानी ए टू द पावर टू, वी आर सप्लाइंग ए एंड टू हेयर, तो ए टू द पावर टू का जो भी आउटपुट होगा वो रिटर्न कर देगा, वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा इस स्टेटमेंट के बदले। दैट यू शुड अंडरस्टैंड, ठीक है। अभी फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम में भी वही को सेम काम ना। अभी मेरे पास रिजल्ट वन में क्या आ गया, फैक्टोरियल आ गया। फैक्टोरियल किसका, ए और बी का, यानी ये वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अभी इस टोटल रिजल्ट का हमें फिर से फैक्टोरियल निकालना। सॉरी, फिर से रिजल्ट इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ क्या होगा, कौन बताएगा, फैक्टोरियल ऑफ व्हाट। अरे साइलेंट क्यों रहते हो, हुसैन, यस सर। फैक्टोरियल क्या होगा, किसका फैक्टोरियल निकालेंगे अभी। यहाँ ये प्रॉब्लम देखा ना, क्या करना है, ए फैक्टोरियल प्लस बी फैक्टोरियल का जो रिजल्ट आएगा उसका फैक्टोरियल निकालना है हमें। नेतुल, यस सर। यस, देवी इज राइट। नेतुल, ऑब्वियसली फैक्टोरियल ए और बी कहाँ पे, रिजल्ट वन में है, सो दिस इज राइट। रिजल्ट वन पे, मैं तो समझ रहा कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है, ऐसा करेगा तो कैसा, लास्ट क्लास में तो सब एक्टिव था, अभी सो गया क्या, है ना। अभी कोई डाउट है पूछो। एक बार रिपीट कर देना लास्ट वाला स्टेटमेंट, क्या रिपीट करो, बोलो। मैंने लास्ट में जाकर कर रहा ना। क्या करा, मैंने कुछ भी नहीं करा। दस सी अभी तुमने लास्ट क्लास नहीं अटेंड किया क्या, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। किया था ना सर। ए फैक्टोरियल और बी फैक्टोरियल को करना है, और फिर उस टोटल का फैक्टोरियल करना है, ये एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ, ध्यान क्यों नहीं है तुम्हें, अगर ये कोई बोलता है ए फैक्टोरियल प्लस बी फैक्टोरियल टोटल फैक्टोरियल, सो इसको देखो, टेक इट, टू फैक्टोरियल, थ्री फैक्टोरियल एंड होल फैक्टोरियल, ठीक है। दो का फैक्टोरियल कुछ तो होगा, टू प्लस थ्री का फैक्टोरियल इज समथिंग सिक्स, कंप्लीट फैक्टोरियल 6 to 8, तो 8 फैक्टोरियल होना है ना। तो ये जो भी दो टर्म है, इस दोनों का सम निकाल लिया मैंने रिजल्ट वन में, है ना, और फिर जो भी सम आया, सपोज दिस, इसका फैक्टोरियल निकाल लिया, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें नहीं समझने वाले कोई बात ही नहीं। वैसे जिसने भी लास्ट क्लास अटेंड किया उसके लिए स्पेशली, तो वही किया मैंने, ए का फैक्टोरियल निकाला, बी का फैक्टोरियल निकाला, उसको रिजल्ट में सेव किया, और फिर इस रिजल्ट का फैक्टोरियल निकाल लिया। अभी बी डिक्लेयर नहीं किया, आ रहा है 0। लेट अस फिगर आउट, हमने जब 2 3 पास किया, वी आर पासिंग 2 3, तो देखो, नाउ वी यू शुड लर्न डिबगिंग। अभी इस पॉइंट पे में क्या आ रहा है, रिजल्ट 0 आ रहा है, तो हमें पता नहीं चल रहा है ना कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो हाउ कुड अगर वी, इफ स्टेटमेंट में शायद रिजल्ट 1,2 आना चाहिए, किसमें, इफ स्टेटमेंट में ज्यादा नीचे वाला, यहाँ पे। मीन इफ स्टेटमेंट में, जो सेकंड स्टेटमेंट है ना, रिजल्ट इक्वल टू पावर रिजल्ट 2, उसमें शायद रिजल्ट 1 आना चाहिए। यस,
क्यों आया? Try to see, both are prime, तो दोनों ही के flag value 1 आई होगी. अभी मैं print भी करता हूँ flag की value ताकि you should remember, you should understand. Printf flag a slash n flag a equal to percentage t flag a. Same statement can use here also. Flag b. Okay. Now we may have better understanding. अगर मैं यहाँ पे टू थ्री पास करता हूँ तो देखो दोनों ही वन आ गया ना. दोनों के वन आने के कारण ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा. ट्रू होने के कारण क्या निकलेगा? ए का पावर और बी का पावर. ए का पावर बी का पावर निकलने के कारण टू 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 जो फोर प्लस थ्री थ्री जो नाइन, तो फोर प्लस नाइन इज थर्टीन एंड थर्टीन टू द पावर टू इज 169. क्लियर? Now we can yes, another number which is not a prime. So we can say 5 and 9. What a number! 5 and 4. Okay. देखो five prime number है ना five. हाँ तो five तो prime है ना, लेकिन four prime नहीं है ना. तो ये दोनों ही केस क्या रहा? Flag one की value one आ रही है, flag b की value क्या आ रही है? Zero आ रही है ना? फिर तो वो स्टेटमेंट अगर दोनों को होंगे तो ही वो ट्रू करेगा ना. हाँ, इसलिए तो ये केस फॉल्स फॉल्स हो जाएगा. अभी फैक्टोरियल निकालेगा है ना, तो फैक्टोरियल का रिजल्ट भी कुछ मिसलीडिंग आ रहा है. ठीक है, तो यहाँ ये क्या होना चाहिए? ए का फैक्टोरियल निकालना चाहिए, यानी 5 फैक्टोरियल 120, और बी का फैक्टोरियल निकालना. तो बहुत लार्ज नंबर आ रहा है, इसलिए नहीं निकालना. तो दोनों अगर होंगे, अगर दोनों नॉन प्राइम है सर, तभी तो वो एल्स वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा ना. हाँ, ये तीन बार एग्जीक्यूट होगा, ये बस एक ही बार होगा जब दोनों प्राइम होंगे. अदरवाइज तीन केसेस बनेंगे. ए इज नॉन प्राइम, बी इज नॉन प्राइम, बोथ आर नॉन प्राइम. ठीक है, अब मैं इसको छोटे वैल्यूज पर रन करता हूँ. 1 and 4. ठीक है, 1 and 4 पे जब रन किया तो देखो एक वैल्यू आई. इतनी बड़ी वैल्यू आई क्योंकि 4 का फैक्टोरियल इज 24, 1 फैक्टोरियल इज 1, 1 प्लस 24 इज 25, और 25 का फैक्टोरियल निकालना था फिर. तो दिस इज वेरी बिग नंबर. ठीक है, आपके साथ भी देखिए, 4 तो प्राइम नंबर नहीं है ना. 1 ये तो फैक्टर नहीं है ना, 4 प्राइम नंबर नहीं है, तो एल्स एग्जीक्यूट होगा ना. जैसे पहले वाले में भी तो सही था कि एक प्राइम था एक नॉन प्राइम था, तब तो रिजल्ट 0 आया था. 0? अरे तुम ध्यान से नहीं सुन रहा मेरी बात. 0 क्यों आया था? क्यों आया था? नहीं हो क्या? हाँ देखो, अगर मैं ए को लेता हूँ 1 and we are taking b equal to 4. ठीक है, तो we will check, let us see more formatted. a 1 लिया और b 4 लिया, तो flag of a क्या आएगा? 0. flag of b क्या आएगा? ये भी 0, यानी both are not prime. not prime के केस में हमें क्या करना है? a factorial निकालना है. a factorial is 1, b factorial is 24, and then a factorial plus b factorial, 1 factorial is 24 factorial. अब दूसरा केस लेते हैं 5 और 9 का जो ले रहा था. This is prime, this is not prime, and 5 factorial is 120, and 9 factorial is, कौन compute करेगा? Anyone? बताओ 9 factorial क्या होगा? One twenty multiplied by 6, multiplied by 7, multiplied by 8, multiplied by 9. So it is 36,362,000
362,880. So now we have to add it. So 0, 0, 0, 3, 6, 3. So this is the number. We have to find out its factorial. ये जो नंबर है इसका जब हम लोग फैक्टोरियल निकालेंगे सो इट मींस वी हैव टू कंप्यूट 1 इनटू 2 इनटू 3 इनटू डॉट डॉट इनटू 100 डॉट 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 इनटू 36,3000. ये कितना बड़ा लार्ज क्वांटिटी होगा, कैन यू इमेजिन? मात्र अगर 9 फैक्टोरियल इतना बड़ा नंबर हो सकता है, कितना फैक्टोरियल निकालेंगे तो कितना बड़ा नंबर होगा, कैन यू इमेजिन? सर फिर तो डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा ना इसमें? हो ही नहीं सकता है, तो सेम फोटो देख के है ना? हमारा वेरिएबल जो है जिसमें रिजल्ट हम सेव कर रहे हैं वो क्या है? एक इंटीजर वेरिएबल है, वी हैव इंटीजर वेरिएबल इन व्हिच वी आर स्टोरिंग द रिजल्ट. इवन लॉन्ग इंटीजर विल नॉट वर्क इन दिस केस. आई हैव फाउंड दिस काइंड ऑफ केस व्हेन आई वाज वर्किंग ऑन ए क्रिप्टोग्राफी प्रोजेक्ट एंड देयर the key which we were generating is such a huge number that we were not able to save it in any variable, any kind of data type. So later we have used some sort of array, we are converting it to a string and then we were doing piecewise multiplication. Is tarah ke numbers ko handle karna is not at all possible by means of the basic data types. ठीक है, एनी डाउट? अच्छा एक बार रन कर दो प्रोग्राम. रन कर दो. क्या क्या इनपुट डालो बोलो. वही देखो सर, 1 और 4 वापस है. अच्छा जैसे 1 तो प्राइम नंबर नहीं है ना, तो फिर ये प्राइम नंबर कैसे ले रहा है फ्लैग ए में 1 का? उसका कारण है, उसको एक्सेप्शन लिखना पड़ेगा. यही तो एक्सेप्शन हैंडलिंग है. कारण क्या है कि इस लॉजिक के हिसाब से ना 1 को वो प्राइम नंबर कंसीडर कर ले रहा है ना, क्योंकि 1 के फैक्टर्स नहीं है, 0 रिटर्न कर रहा होगा इस लॉजिक के हिसाब से, है ना? क्योंकि 2 से लेके n बाई 2, n बाई 2 क्या, 1 बाई 2 इज नथिंग, कोई इंटीजर तो है नहीं, तो इस बीच में काउंट इसका 0 सेट हो रहा है, इसलिए ऐसा कर रहा है, अदरवाइज नॉट. ठीक है, सो वी कैन राइट एन एक्सेप्शन हियर. इफ काउंट इज 0 एंड n इज नॉट इक्वल टू 1, ठीक है, तभी रिटर्न 1 का. So now we can run this program one more time to check whether it is working or not. One and four. We are again, no? Zero, na? So ye ek case handle karna tha bas. Any doubt? No, sir. Na? सर ये वाला कोड व्हाट्सएप पे भेज देना. ठीक है, मैं तो क्लासरूम में भी डालूंगा. प्रेजेंट सेंडिंग, आई विल सेंड यू जस्ट आफ्टर द सिलेक्शन. ठीक है, ठीक है, वी विल लर्न फर्स्ट ऑफ द थिंग्स. असाइनमेंट दिया बनाया तुम लोग अभी जो दिया था क्या इस बीच में? मैंने मंडे सबमिट. यस सर. यस सर, सबमिट हो गया. उसमें तो कोई इशू नहीं था ना? नो सर. नो सर. ठीक है, ठीक है, कल फिर लास्ट लेक्चर होगा, फिर तो छुट्टी रहेगी. ठीक है, आज इतना ही है ना. अभी ये फंक्शंस में कोई सुनाई है ना तुम लोगों? नो सर. है ना, ठीक है, चलो अभी ये असाइनमेंट दूंगा तो इसमें ढेर सारा फंक्शन का प्रोग्राम दूंगा बनाने के लिए और कुछ लॉजिक बिल्डिंग के लिए. हाँ, वो पैटर्न वाला एक प्रॉब्लम है ना, मैं कल बता दूंगा किसका प्रॉब्लम था, सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ. सर उसमें स्पेस में प्रॉब्लम आ रही है. अच्छा ठीक है, कल बता देंगे. और
बाकी सब जितने बच्चे हैं सब अपने अपने डाउट्स को रखिए, कल हम लोग डिस्कशन करेंगे डाउट्स, 20 से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे यहाँ, ठीक है? कल हम लोग बस डाउट डिस्कशन करेंगे, चलो ओके, आई एम एंडिंग दिस सेशन। थैंक यू। सबने अपना नाम एंटर कर लिया? मेक श्योर। यस सर। यस सर।